ये है पोको का नया फोन, ऊपर से 5G भी है। इसमें 120 हर्ट्ज AMOLED है, Snapdragon चिप, एकदम स्लिम लाइटवेट भी है। अभी कुछ टाइम पहले पोको ने अपना X5 Pro लॉन्च किया था, वो प्रो था हमारी तरह, जिसमें तो उस फोन को टेस्ट करने में मजा आ गया था। तो ये जो फोन है पोको X5 Pro का छोटा भाई है, छोटा डॉन। छोटे भाई में कितना है दम, तो कैसा है ये फोन, क्या खास है, क्या फीचर्स है, अभी पता चल जाएगा हमारे संग, आइए देखते हैं मजा आएगा। तो फोन का नाम है पोको X5 5G। चलो भाई एक बार इसको देखते हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, यहाँ लिखा है पोको येलो। ओहो, ये क्या निकल रहा है, ये चुभन यंत्र। और भाई ट्रांसपेरेंट केस, पहले मैं इसको तोड़ूंगा फिर मरोड़ूंगा, रिसेंट केस है। बाकी पोको X5 की ये जन्म कुंडली। तो ये है हमारा फोन, ये कुछ ज्यादा स्लिम नहीं लग रहा, तो स्लिम है यार फोन। अभी आते हैं इस पे, और क्या खजाना है इसके अंदर। ओके, ये केबल है, केबल लंबा है, मजबूत भी है यार। बाकी फास्ट चार्जर, ओ असली मजा इसी में ही है। तो ऐसा दिखता है भाई पोको X5 5G, फ्रंट से ऐसा दिखता है। देखो फर्स्ट थिंग जो मैंने नोटिस किया इस फोन में वो ये है कि फोन मुझे भाई काफी स्लिम लगा। अगर आप साइड से देखो कितना पतला है ये फोन, 7.98 mm इसकी थिकनेस है। आप हाथ पे लोगे तो भाई आपको पतला फील होगा ये फोन, इवन मुझे ये लाइट वेट भी फील हुआ। एक बार वेट चेक करते हैं। ओके, 187 ग्राम। इसका डिजाइन मुझे अच्छा लगा, हालांकि ये पॉलीकार्बोनेट है, फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट है, यहाँ पे थोड़ा सा मैट फिनिश है, और ये जो कलर मेरे को मिला ये काफी अच्छा लग रहा मुझे। फ्रंट से डिस्प्ले ऐसा दिखाई देता है, और इसका डिस्प्ले देखने में काफी बड़ा लगता है, डिस्प्ले लंबा भी है, थोड़ा सा चौड़ा भी फील होता है। 6.67 इंच का FHD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले है। AMOLED की वजह से डिस्प्ले देखने में प्यारा तो लगता है यार, मतलब ब्यूटीफुल है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो फोन का बढ़िया है, ऊपर की साइड में और साइड बेजल्स देखो ठीक है, एवरेज से कम है, चिन की साइड में एवरेज चिन है, ओवरऑल देखने में डिस्प्ले बढ़िया लगता है। ऊपर से प्यारा सा एक माथे पे बिंदी लगा दी गई, ये देखो ये पंचोल के रूप में। तो YouTube पे आप 1080p तक वीडियो देख सकते हो। और अगर मैं कलर्स की बात करूं, ये देखो कलर्स तो अच्छे हैं, पिंक कलर हो गया एकदम क्लियर दिख रहा है, ग्रीन काफी अच्छा है, ये देखो ब्लू भी हो गया, येलो हो गया, ये ब्राउन हो गया, कलर्स तो भाई बहुत ही प्यारा है। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी फोन का अच्छा मिल जाता है। AMOLED की वजह से जो डिस्प्ले है डीप ब्लैक है, पंची कलर्स मिलते हैं, तो डिस्प्ले वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तो एक बार विंग एंगल चेक कर लेते हैं, सामने से ऐसा दिखाई देता है, नीचे से देखो एकदम क्लियर है, इस साइड से देखो भाई यहाँ से भी क्लियर, यहाँ से भी क्लियर है। पोको ने कहा है कि इसमें 1200 nits की पीक ब्राइटनेस है। देखो ये तो लोएस्ट है, ये देखो अब मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक पे लगा देता हूँ, ये देखो ओ 60% में ब्राइट इनफ है देखो ये, और इसे मैं 100% कर देता हूँ, डिस्प्ले काफी ब्राइट है। और ये एक 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, AMOLED और 120 हर्ट्ज, चुम्मेश्वरी कॉम्बिनेशन होता है। 60 हर्ट्ज यहाँ पर, एक 120 हर्ट्ज है। ओके, अभी मैंने स्क्रीन को 120 हर्ट्ज पर सेट कर रखा है, और ये देखो मतलब डीजे मनोज सारू है, डीजे डीजे मनोज सारू नंबर 1 1 1 वन लाइक फॉर डीजे मनोज सारू। दो स्टोरेज वेरिएंट में आपको ये फोन मिलेगा, 6GB 128GB और 8GB 256GB। इसमें स्टोरेज टाइप है वो UFS 2.2 है, और LPDDR4X रैम टाइप है। सही है, री राइट स्पीड। मल्टीटास्किंग भी टेस्ट कर लेते हैं, बस सारे एप्स मैं क्लोज कर देता हूँ, ये मैंने सारे एप्स क्लोज कर दिए। अब मल्टीटास्किंग चेक करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऐप, ओके फास्ट ओपन हो रहा है, ये देखो इसका मैं कैमरा ओपन करता हूँ, ठीक है ये भी फास्ट है। एक ये ऐप ओपन करता हूँ, ये भी फास्ट है। मैसेज ठीक है, ये ओपन करता हूँ, ये भी ठीक है। और एक दो और ऐप्स ओपन कर लेते हैं, ये गेट ऐप्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये मौज ओपन कर लो, एक सेकेंड नहीं चाहिए भैया, ये वाली मौज ओपन हो जाते हैं, हल्का सा टाइम ले लेता है। ओवरऑल मल्टीटास्किंग इज गुड। नीचे भाई माइक्रोफोन है, ये टाइप सी है, और ये स्पीकर है, सिंगल स्पीकर है, बताओ स्पीकर भी सिंगल है, सह लेंगे थोड़ा सा। ओहो ओहो मानता हूँ सिंगल स्पीकर है, स्टीरियो स्पीकर पोको को देना चाहिए था, बट स्टिल जो सिंगल स्पीकर है वो लाउड है, आपको रिंगटोन विंगटोन में या फिर म्यूजिक सुन रहे हो आपको क्लियर सुनाई देगा, कोई इशू नहीं आएगा। पावर बटन और ये वॉल्यूम बटन है, एक बार फिंगरप्रिंट भी चेक कर लेते हैं, ये देखो तो भाई फास्ट हो, ये देखो ये मैंने ऑन किया, ये देखो टच करते अनलॉक हो जाता है। ऊपर ये नॉइस कैंसिलेशन आयर ब्लास्टर, सुकून मिल जाता है यार आजकल गड्ढा देख के। भाई 3.5mm जैक है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, बस ये सिम स्लॉट है। ओके, तो ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है। इसके बैक में 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा है, ये 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, बाकी ये 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा और ये छोटू 2 मेगापिक्सल का। और ये जो फ्रंट है 13 मेगापिक्सल का है, वो फोकस चेक करते हैं, देखो ओके फोकस तो फास्ट है देखो। और एक इसकी फोटो भी ले लेते हैं, एक पबजी गर्ल की फोटो लेते हैं, हेलो 1x 2x में देखते हैं। ओ भाई एक अल्ट्रा वाइट में, ओहो अल्ट्रा वाइट में ब्राइट दिख रही है यार, एक इसकी भी ले लेते हैं। तो
तो ये 2x की फोटो है, जूम करता हूँ। ओके, डिटेल्स अच्छे, कलर्स भी बढ़िया है, थोड़ा सा फोटो ब्राइट होता तो मजा आ जाता 1x में नॉर्मल कंडीशन में, इसमें फोटो ब्राइट है ये देखो। और अगर मैं जूम करता हूँ भाई, डिटेल्स भी है ये देखो, अल्ट्रा वाइड में थोड़े से डिटेल्स बेटर हो सकते हैं ये देखो। बाकी अगर ये नॉर्मल देखा जाए, ये देखो 2x में भाई, ये बहुत शार्प पिक्चर आई। और यहाँ पे देखो, और बैकग्राउंड का जो कलर है उसे नेचुरल रखा है, बढ़िया है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और फोटोज दिखा देता हूँ इंडोर आउटडोर लाइटिंग कंडीशन की। जो 2x शॉट है वो काफी अच्छे आते हैं, जो नॉर्मल मोड से है वो डिसेंट निकल के आते हैं, थोड़ा सा और डायनेमिक बेटर हो सकता था। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे से फोटोज आते हैं वो भी डिसेंट आते हैं। जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है वो डिसेंट लगा मुझे। एक सेल्फी भी देख लेते हैं भाई, इसमें तो ब्राइट लग रहा है, क्लीन लग रहा है, क्या बात है। ओके, ये नॉर्मल मोड है। और देखो आर्टिफिशियल लाइटिंग करने सेल्फी बड़ी मस्त आई है यार, स्किन बहुत ही प्यारा दिया है, हल्का सा सॉफ्ट कर देता है ये देखो, बट डिटेल्स अच्छी हैं। तो भाई देखो एजेस भी डिटेक्ट कर लेता है बढ़िया तरीके से, देखो सेल्फी बढ़िया लगी यार मुझे ये देखो। बाकी अगर हम कैमरा फीचर्स चेक करते हैं, ये देखो आपको प्रो मोड मिल जाता है, डॉक्यूमेंट वीडियो है। ओके, वीडियो में अगर हम जाते हैं 30fps पे रिकॉर्डिंग है, नाइट मोड भी है और मोर का मोड है। मोर में आपको 48 मेगापिक्सल शॉट, पैनोरामा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स। परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 695 5G चिप दे रखा है, जो एक 6N वाला चिप है। और जिन लोगों को नहीं पता, बता दूं 20,000 के आसपास आपको जितने भी फोन देखने को मिलेंगे उनमें ज्यादातर आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और जितना भी टेस्ट किया उस बीच में मैं कह सकता हूं कि ये एक बैलेंस प्रोसेसर है, आपका डे टू डे लाइफ यूज में कोई इशू नहीं आएगा, इवन आप कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हो। इसका एक बार एंड्रॉइड स्कोर देखो, 396,000 प्लस निकल के आया है, ये काफी अच्छा स्कोर है फॉर मल्टीटास्किंग एंड इवन फॉर कैजुअल गेमिंग। एंड इसमें मैंने सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट भी करके देखा, ग्राफ देखो भाई ऑलमोस्ट पूरा ग्रीन ग्रीन है, पूरा ग्रीन ग्रीन है, एकदम ग्रीन ग्राफ आता है। एंड सीपीयू थ्रॉटल परसेंटेज 94% है, कोई थ्रॉटल इशू नहीं है भाई, ये अच्छी बात है। एक्साइटेड पीरो गेम प्ले के लिए। स्मूथ बैलेंस HD ऑप्शन है, HDR नहीं है, स्मूथ पे अल्ट्रा का ऑप्शन है। ओ देखो पीरो मनोज सारू इज हियर, ये देखो दोनों को लपेट दूंगा। ये देखो, अरे पीरो मनोज सारू, तो ग्राफिक्स अच्छे हैं भाई, आप गेम कैजुअल गेमिंग कर सकते हो उसमें। ये देखो, ओ कहाँ चले गए, अरे मैं मजाक कर रहा था। और जितना भी मैंने इस फोन में टेस्ट किया गेम को, मैं कहूंगा कि भाई आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, लाइक अगर आपको HD सेटिंग्स में गेमिंग करनी है, और इवन अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो, डिजिटल लाइफ यूज में एप्स ओपन करना है, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। बाकी अगर हम सेटिंग में जाते हैं, ये देखो सेटिंग में गए और ये अबाउट में गया, तो यहाँ पर आपको MIUI 13 मिल जाता है और ये बेस है एंड्रॉइड 12 पे। बाकी ब्लॉटवेयर की बात करें तो 2-3 ब्लॉटवेयर फोन में आपको मिल जाते हैं, वैसे आप इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हो इजीली। बाकी इसके अलावा 7 5G बैंड इस फोन में, और 2 ईयर्स का OS अपग्रेड और 4 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट। 5000 mAh में बैटरी है, फास्ट चार्जर है 33 वॉट का। बाकी इस फोन की जो प्राइस है वो फिलहाल अभी मुझे नहीं पता, 20,000 के आसपास होने वाली है इस फोन की प्राइस। लाइक अगर ये फोन 17-18 हजार के आसपास आ जाता है, इसका जो बेस वेरियंट है 6GB 128GB, तो हम इसको एक वेल बैलेंस फोन बोल सकते हैं। और ओवरऑल मैंने जितने भी फोन को टेस्ट किया, मैं कहूंगा भाई इसका डिस्प्ले मुझे काफी बढ़िया लगा, 120Hz है, AMOLED है, कैमरा डिसेंट है और परफॉर्मेंस अच्छी है, एक वेल बैलेंस आपको परफॉर्मेंस मिल जाता है, बैटरी अच्छी है, फास्ट चार्जर है 33 वॉट का। ओवरऑल मैंने जितना भी इसको टेस्ट किया, इसके जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि पोको की तरफ से ये एक वेल बैलेंस 5G फोन है। बाकी आप लोग बताओ आपको फोन कैसा लगा, और जल्दी जल्दी लाइक दबा के जरूर जाना भाई, फैला देना वीडियो को, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।